नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। अगर आपने केले का छिलका नहीं देखा है तो इसको देख लो। देख लिया अब यहाँ पे आप मुझे पता लगाइए कि केले का छिलका है या फिर केआर की है। अब इस बंदे का मैंने ट्विटर अकाउंट खोला तो इसने यहाँ पे चंगेज के ऊपर एक यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है। उस ट्वीट को रीड करने के बाद मेरे दिल के अंदर एक यहाँ पे जो है वो सवाल निकला कि भाई साहब, तू अपनी शिकल को जब तक सुधार नहीं सकता तब तक तू क्या ट्वीट करेगा, और तुझे चंगेज के बारे में पता ही क्या है। और ये बंदा ऐसा है जो कि हर एक मूवी के ऊपर बैड कमेंट करता है, हर मूवी के ऊपर ये जो है वो अपना भंग भोसड़ा करता ही रहता है। और ये किसी भी मूवी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आज तक ये पॉजिटिव हुआ है। अब यहाँ पे पठान ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए तो ये बोलता है भाई साहब डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने घर से पैसे लगाए हैं। भाई अब क्या है कहने इस बंदे के। उसी के साथ इसने अभी चंगेज के बारे में बताया कि भाई साहब मैं इस मूवी को देखने नहीं जाऊंगा, ट्रेलर के अंदर इतना मजा नहीं था और यहाँ पे जो है वो मुझे इससे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई साहब, बंगाली इंडस्ट्री का किंग जीत दा जो कि अपने करियर की सबसे पहली पैन इंडिया लेवल की मूवी को रिलीज करने वाला है, और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेलर को हिंदी ऑडियंस का रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का क्रेज है वो इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोला है कि मैं नहीं जाऊंगा। भाई तेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैन इंडिया लेवल के ऊपर जीतता आ रहे हैं और ये बंदा फाड़ के रख देगा और डेफिनेटली पैन इंडिया लेवल के ऊपर जीता की पहली मूवी आ रही है चंगेज, तो इसको जम के सपोर्ट करो, ना कि केआरके जैसे केले के छिलके की बातों को सुन के डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत है। क्योंकि ये बंदे सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए इस किस्म के ट्वीट्स को करते रहते हैं, तो इसको यहां पर इग्नोर करो। चंगेज अपने इंडिया की मूवी है और ये भाई साहब नंबर वन मूवी बन जाएगी जब इसको हिंदी ऑडियंस का प्यार मिलेगा। कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर तो इस मूवी ने भाई फाड़ ही देना है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हिंदी ऑडियंस का भी जो प्यार है वो इसको देखने को मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं हिंदी ट्रेलर के ऊपर। अभी तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुके होंगे जब मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, और आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई साहब पैन इंडिया लेवल के ऊपर सबसे पहली बंगाली मूवी जो कि इस लेवल का कॉन्टेंट प्रेजेंट कर रही है 5 करोड़ रुपए के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो मैं आप तमाम दोस्तों को यही कहूंगा, भाई जम के सपोर्ट करो और हैशटैग चंगेज कमेंट में लिखना ना भूलेगा। अगर आपने राहुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब कुछ भी केला फेंक के या फिर भाई चप्पल फेंक के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करो। अगर आपने क्लिक कर दिया तो भाई साहब बहुत शुक्रिया, और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली मूवीज का रिव्यू लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो ख्याल रखिएगा, हमें ज्यादा हरे कृष्णा।